नमस्कार, आज हम भटूरे बनाना सीखेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भटूरे बनाने के लिए हमें चाहिए मैदा 1.5 कप, दही 3 चम्मच, रवा 4 चम्मच, तेल 2 चम्मच, सोडा 1 चम्मच, नमक स्वाद अनुसार, और ये पानी आटा गूंदने के लिए। अब एक बर्तन ले, उसमें मैदा डाल दें, साथ में रवा भी डाल दें, नमक भी डाल दें, 1 चम्मच सोडा डालें और मिक्स कर लें। अब इसमें दही डालें, फिर तेल डालें, अब इसे मिक्स करें। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम रोटी के लिए जैसा आटा गूंथते हैं वैसा ही आटा हमें तैयार कर लेना है। मैंने इस तरह ये मैदा तैयार कर लिया है। अब इसे एक बर्तन में रख के हल्का सा ऊपर से तेल लगाकर इसे ढककर 2 से 3 घंटे के लिए साइड में रख देंगे। दो घंटे हो चुके हैं, हमारा मैदा एकदम सेट हो चुका है। अब इसे हल्के हाथों से थोड़ा सा मसल लें। अब हमें रोटी की तरह लोइयां तैयार कर लेनी है। जिस तरह हम रोटी के लिए लोई बनाते हैं उतनी बड़ी लोई चाहिए हमें। इसी तरह से मैंने सभी लोइयां तैयार कर ली हैं। अब हम इसे बेलेंगे। तो इसमें आटा या तेल लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने इसमें तेल डाला था तो ये मैदा चिपकेगा नहीं। इस तरह से हमें रोटी के आकार का इसे बेल लेना है। जिस तरह हम रोटी बेलते हैं वैसे ही बेलना है हमें इसे, ना ही ज़्यादा पतला ना ही ज़्यादा मोटा। इस तरह से बेलें। अब गर्म तेल में भटूरे तलने के लिए डालें। तेल हमें अच्छे से गर्म करना है, अच्छे से गर्म तेल में ही भटूरे डालना है तभी भटूरे फूलेंगे। आप देख सकते हैं भटूरे कैसे फूल गए हैं। अगर आप इस तरह से भटूरे बनाएंगे तो आपके भटूरे ज़रूर ही बहुत ही अच्छे बनेंगे और नरम और मुलायम भी बनेंगे। अभी मैं आपको एक और भटूरा तल के दिखाती हूँ। इसी तरह से हम सभी भटूरे तैयार कर लेंगे।